नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कंधों की सिलाई हम कैसे करें कि हमें जोड़ का बिल्कुल भी पता ना चले। ये देखिएगा, इसमें मैंने दो पल्लों को एक बनाया है और इसमें जोड़ का कहीं भी पता नहीं चल रहा है, तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखें कैसे बनाना है इसको। तो ये मैंने 22-22 फंदे डाल करके ये दो साइड बना लिए, दो बना लिए इस तरीके के। समझ लीजिए कि ये शोल्डर है, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का। दोनों की सीधी साइड को हमें अंदर लेना है, इस तरह से सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड को बाहर रखना है। ये देखिए, इस तरह से लिया और ये जो हमारा धागा आ गया है आगे की तरफ, इसको हमने सुई में डाल लिया। ठीक है, ये जो हमारा धागा था इसको हमने सुई में डाल लिया। अब देखिएगा हमें क्या करना है। ये पीछे वाले फंदे से, ये धागा आगे की तरफ है ना, तो ये पीछे वाले फंदे से और आगे की तरफ आगे वाले में हमको इस तरीके से इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है। लेकिन जिस साइड में ये धागा हो उसके ऑपोजिट साइड से हमें लेना है। मान लीजिए ये धागा अगर पीछे होता तो हम इस नीडल को इस तरीके से लेते, लेकिन अभी ये धागा आगे है तो हमने इस नीडल को इस तरह से लिया है। इस तरह से हमने लिया, ये देखिएगा, और हमने इसके अंदर से ऐसे इसको निकाल लिया। ये दो फंदे हमने लिए हैं, एक पीछे का, पीछे की साइड से आगे वाले फंदे को ऐसे तिरछा करके हमने लिया है। अब क्या करना है, आगे वाला फंदा हमने उतार दिया और जिस साइड धागा है उस साइड के फंदे से पीछे की साइड हमने ऐसे करके तिरछा नीडल को रखा, इसको सुई को रखा, और अब ये ऐसे सीधा ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पीछे वाले धागा देखिए पीछे चला गया, एक बार ये धागा पीछे जाएगा एक बार ये आगे जाएगा। अब धागा पीछे चला गया तो पीछे वाला फंदा लेकर के, और जो फंदा हमारा इसमें गिर गया है, ये नीचे जो गिरा हुआ है, इसमें ऐसे तिरछा लेना है। ये देखिएगा, दोबारा देखिएगा, धागा हमारा आगे आ गया। अब हमने इस फंदे को लेना है और वो दूसरी साइड में जो फंदा नीचे गिर गया है ये वाला, ये इसको लेना है। ये देखिएगा, ऐसे धागा पीछे चला गया, साथ वाले फंदे को लेना है ऐसे, और इधर जो फंदा गिर गया है उसको उसमें से ऐसे करके सुई को निकालना है।
इस तरह से अगर आप शोल्डर को सिलेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने शोल्डर में सिलाई लगाई है। शोल्डर के अलावा भी अगर कोई हमें दो पीसेस इस तरीके से जोड़ने हों तो भी हम इस सिलाई को इसी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सिलाई का पता ना चले वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फंदे इसको बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं सिलना है। थोड़ा सा ढीला ढीला ही रख के चलना है। तरीके से हमने इसको
इस तरह से मैंने इसको सिल दिया और लास्ट में मैंने इसमें लगा दी नॉट। ये देखिएगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिलाई आपने किधर से आपने सिलाया। ये देखिएगा, बिल्कुल आपका ये इसके साथ ही जैसे आपने बुनाई करी है वैसा ही ये मिक्स हो जाएगा। देखिए, शोल्डर को सिलने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं इस वाली सिलाई का, लेकिन कहीं पर भी अगर हमें दो पल्ले जोड़ने हैं और हम चाहते हैं कि उसमें जोड़ का पता ना चले तो वहां पे भी हम इसे सिल सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।